Hello everyone, in this video I will discuss the most important MCQ related to President, Vice President, Prime Minister, Council of Minister. This video is very important for various competitive exams, so try to attempt this MCQ. So let's start. The first question is, what is the minimum age for the eligibility to be presidential candidate? Option hai aapka 30 year, 28 year, 21 year, 35 year. President, Vice President and Governor, इन तीनों के लिए एज जो होता है वो 35 year defined है. MLC मतलब Member of Legislative Council and राज्यसभा के MP के लिए 30 year defined है. राज्यसभा के MP के लिए और MLC जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनके लिए 30 year defined है. तो ये सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन है, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा एज है, तो आप याद रखिएगा कि 35 ईयर. उसके बाद एमएलसी और राज्यसभा के लिए 30 ईयर. उसके बाद एमपी एमएलए के लिए 25 ईयर. उसके बाद पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के लिए, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत के लिए 21 ईयर एंड वोटिंग एज 18 ईयर. तो ये कुछ एज है जो आपको याद रखना चाहिए. तो आंसर क्या हो गया? Answer is the 35 year. So next question, who is regarded as the head of the Indian state? बहुत simple question है, मगर कभी कभी confusion हो जाता है हम अगर question को अच्छे से देखते नहीं है तो. Head of the Indian state, head of the Indian state किसको define किया गया है और कौन है head of the Indian state? President. President is the head of Indian state and Prime Minister is the head of गवर्नमेंट. अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट पूछता है तो प्राइम मिनिस्टर, अगर हेड ऑफ द इंडियन स्टेट पूछता है तो प्रेसिडेंट आंसर होगा. तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, कौन पार्टिसिपेट करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ए ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी. नाउ जे एंड के भी उसमें अब जोड़ दीजिए. तो सारे इलेक्टेड मेंबर स्टेट में और सेंटर में, लोकसभा और राज्यसभा में सारे इलेक्टेड मेंबर, याद रखिएगा नॉमिनेटेड नहीं, तो सारे इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं. और यूनियन टेरिटरी में तीन, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर अब हो गया है. तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वीटो पावर इज नॉट ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो इंडियन प्रेसिडेंट को कौन सा वीटो पावर ग्रांट नहीं है? वीटो पावर का मतलब यह है कि प्रेसिडेंट का चॉइस ओवर द बिल, बिल जब उनके पास आता है पार्लियामेंट से पास होकर तो उनका क्या चॉइस है, उनके पास क्या पावर है उसके लिए, तो वो वीटो पावर कहलाता है. और ये वीटो पावर टर्म जो है वो मेंशन, वीटो टर्म मेंशन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी याद रखिएगा आप लोग. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन कौन सा पावर मिला है, कौन सा वीटो पावर मिला है? एब्सोल्यूट वीटो मिला है, पॉकेट वीटो भी मिला है और सस्पेंसिव वीटो भी मिला है. क्वालिफाइड वीटो इंडियन प्रेसिडेंट को गारंटेड नहीं है. तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब यह है कि आप एक तरह से उसको डिनाई कर दिए हैं, पास नहीं कर रहे हैं आगे, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो. और पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि नॉट एक्ट अपॉन, इसका मतलब यह है कि उस पर आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आप पॉकेट में रख लिए हैं एक तरह से, ऐसा बोल सकते हैं. और सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि रिटर्न कर देते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, कि आप इसको रिकंसिडरेशन करके मेरे पास लाइए. और अगर रिकंसिडरेशन कर होके आता है तो फिर उसको असेंट देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ये संविधान में मेंशन है. तो एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि एब्सोल्यूट वीटो जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर बिल है तो उसमें एब्सोल्यूट वीटो प्रेसिडेंट नहीं लगा सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा. और सस्पेंसिव वीटो में ये बात याद रखना है कि एक बार अगर रिकंसिडरेशन होके आ गया तो प्रेसिडेंट अब उसको फिर से वापस नहीं भेज सकता है. और मनी बिल में सस्पेंसिव वीटो नहीं लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा. मनी बिल में सस्पेंसिव वीटो रिटर्न नहीं होता है. क्यों रिटर्न नहीं होता? सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मनी बिल तो पहले ही प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट से ही
आता है तो फिर वो रिटर्न होने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए नहीं जाता है। तो क्वालिफाइड वीटो प्रेसिडेंट को नहीं मिला, इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमोगलेट ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंसेस अध्यादेश जारी करने का जो पावर है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 123 में है, 120। और गवर्नर को कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है पावर? 213 और गवर्नर के लिए 213, आर्टिकल 213। क्या होता है, बेसिक सा चीज होता है ऑर्डिनेंसेस, मतलब कि अगर पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं है और उस समय कोई जरूरत पड़ता है तो कुछ कोई भी कानून बनाने का, तो अध्यादेश प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जा सकता है जिसकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग द टर्म एट द ऑफिस। ऑफिस के ही टर्म में कौन से प्रेसिडेंट जो है वो किन प्रेसिडेंट का डेथ हो गया था? तो सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ मैं इसलिए इसमें डाला हूं क्योंकि आपको कुछ फैक्ट भी याद रखना चाहिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इसलिए मैं डाल दिया हूं। तो इसका आंसर होगा जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाय एट लीस्ट। कम से कम कितने लोग होने चाहिए जब नॉमिनेशन होगा प्रेसिडेंट का? तो कितने हो गए? 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर, 50 प्रपोजर और 50 सेकेंडर्स होंगे नॉमिनेशन करते समय। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितने होंगे आप यही बता सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20 प्रपोजर एंड 20 सेकेंडर्स। तो आंसर ए है इसका, 50-50, प्रेसिडेंट के लिए 50-50, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20-20। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच अमेंडमेंट बिल द प्रेसिडेंट असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मेड ऑब्लिगेटरी। जैसा हम अभी देखे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा, ये ऑब्लिगेटरी है प्रेसिडेंट को, वापस नहीं कर सकता है, विथहोल्ड नहीं कर सकता है। तो ये किस संशोधन के द्वारा किया गया था? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971। बहुत ही जब एकदम स्ट्रिक्ट डिसीजन है तो आप समझ जाइएगा कि वो इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में लिया हुआ डिसीजन है, इसीलिए आप उससे गेस कर सकते हैं। तो आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। अगेन दिस इज वेरी सिंपल और फैक्चुअल क्वेश्चन, देन आंसर इज 12। होप यू नो दिस वेरी वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज रिमिशन मीन इन टर्म्स ऑफ द पावर ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट। रिमिशन का जो पावर है प्रेसिडेंट का, उसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में है। आप ऑप्शन देखिए क्या है, रिमिशन का मतलब क्या होता है। बेसिक पनिशमेंट रिमेन्स द सेम बट द ड्यूरेशन इज शॉर्टेंड, मतलब कोई भी अगर आपको सजा मिला हुआ है तो उसका जो ड्यूरेशन है, जैसे 10 साल का है तो उसको 5 साल कर देना, लेकिन उसका कैरेक्टर चेंज नहीं करना है, कैरेक्टर वही रहेगा। जैसे आपको जो सजा मिला है सजा वही रहेगा, उसका कैरेक्टर वही रहेगा, बस ड्यूरेशन को छोटा कर दिया जाता है, तो रिमिशन का मतलब ये है। या फिर इन प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांस लाइक फिजिकल डिसेबिलिटी एंड प्रेसिडेंट कैन अवॉर्ड अ लेसर सेंटेंस देन इट वाज ओरिजिनली ग्रांटेड। आपको जैसे पहले 20 साल का 10 साल का सजा मिला था, लेकिन अगर स्पेशल केस है तो प्रेसिडेंट ऐसा कंसिडर कर सकता है कि स्पेशल कंसिडरेशन में उसको छोटा कर सकता है, कम कर सकता है। तो ये एक है, एक है प्रेसिडेंट कैन सब्स्टिट्यूट वन हार्डसर पनिशमेंट टू सम लाइटर फॉर्म, मतलब जैसे पहले कुछ हार्डसर पर लाइफ इंप्रिजनमेंट मिला था तो उसको सजा को कम करके दूसरा कुछ दे दिया गया, तो मतलब जो हार्श पनिशमेंट था उसको लाइटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ऐसा भी जैसे कि डेथ सेंटेंस को लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना, तो ऐसा। या फिर कंप्लीटली Absolves the person from the all type of punishment, या पूरी की तरीके से क्षमा कर देना, जितना भी आपका 10 साल का सजा है 10 के 10 साल का सजा आपको माफ कर दिया गया, इवन डेथ सेंटेंस है, फांसी का सजा है फांसी भी पूरे के पूरे तरीके से माफ कर दिया गया। तो रिमिशन का मतलब क्या है, ये पार्डनिंग पावर है। जैसा आपको पता है कि पार्डनिंग पावर 5 टाइप के पार्डनिंग पावर है, पार्डन, रिप्रेव, रिमिशन, कम्यूटेशन एंड रिस्पाइट। तो ये पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो जो रिमिशन का मतलब होता है वो होता है कि ड्यूरेशन को कम कर देना,
कैरेक्टर चेंज नहीं करना है, ड्यूरेशन कम कर देना है, ये होता है रिमिशन। जो सेकेंड ऑप्शन है वो रिस्पाइट का है। रिस्पाइट का मतलब क्या होता है कि स्पेशल कुछ जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ऐसा है केस, तो उनके जो उनको स्पेशल कंसिडरेशन देके थोड़ा सा कम कर देना है सजा को, तो ये रिस्पाइट कहलाता है। कम्यूटेशन कहलाता है कि एक मतलब इसमें कैरेक्टर चेंज हो जाता है। कैरेक्टर चेंज मतलब कि जैसे डेथ सेंटेंस था उसको लाइफ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिए, हार्ड से लाइटर में कन्वर्ट कर देना, ये कम्यूटेशन है। कम्यूटेट कर गया, कम्यूटेट मतलब चेंज हो गया, बदल गया। रिमिशन मतलब कम हुआ है, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा कम किया है। रिस्पाइट का मतलब किसी को थोड़ा सा क्या दिए हैं, स्पेशल कंसिडरेशन दिए हैं। और कंप्लीटली अगर हटा दिए हैं तो इसका मतलब क्या होता है, पार्डन पावर। पार्डन, पार्डन का मतलब कंप्लीटली एब्सॉल्व कर दिए उससे। तो आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर क्वालिफाइंग टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अगेन एज आई डिस्कस बिफोर, आंसर इज 35। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर, 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इलेक्ट्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है, तो इसमें भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का भी, तो कौन करता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राज्यसभा है लेकिन इसको कौन करता है, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड, यहां प्रेसिडेंट से अलग क्या हुआ कि नॉमिनेटेड मेंबर भी वाइस प्रेसिडेंट में वोट डाल सकते हैं, तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर हो सकते हैं, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप देखिए एक बार ट्राई कीजिए। The Constitution provide rules for the grounds on which the Vice President can be removed. The Constitution does not provide rules for the ground on which the Vice President can be removed. There must be an absolute majority in Lok Sabha. Members of the State Legislative Assembly also participate in the removal. Actual में ये क्या है कि क्या है removal से related? तो Constitution में जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट का प्रोविजन है और ग्राउंड डिसाइड है, वैसा ग्राउंड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट के लिए मेंशन नहीं है, तो ये जो बी है वो सही आंसर है कि ग्राउंड डिसाइड नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे आपको इम्पीचमेंट स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first vice president of vice president to die in office? जैसा previous question में मैंने president के लिए दिया था, तो वैसे factual question vice president के लिए है। तो vice president में कृष्णकांत जो 1997 से 2002 तक president थे, तो वो जो है वो death हुआ था उनका भी, तो कृष्णकांत याद रखिएगा। Next question है, next question, Which article in our constitution deals with the process of election of vice president? Vice president के election में कौन सा article, मतलब किस article के तहत बताया गया है election के बारे में vice president के, तो article 66। और जैसा आप जानते ही होंगे president के लिए बहुत simple है, सब लोग जानते हैं 54, तो 54 president and 66 vice president। Next question, again बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं फिर भी इसलिए दिया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को रखा हूं कि आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा। हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज द फाइनल वर्ड ऑन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो फाइनल वर्ड्स कौन देगा, फाइनल रिजॉल्व कौन करेगा, तो फाइनल रिजॉल्व प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन से रिलेटेड जो रिजोल्यूशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन,
हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू अटेम्प्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट, आर्टिकल 75 प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द अपॉइंटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. तो आर्टिकल 75 में क्या बताया गया है? सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया गया है. अ पर्सन मस्ट ऑलवेज प्रूव हिज मेजोरिटी इन लोकसभा बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट. मतलब कि अगर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होना है तो उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होने से पहले लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा. ये है, अ पर्सन मे अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट हु मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी लेटर. इसमें स्टेटमेंट है कि बाद में भी वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट, उसके बाद भी वो मेजोरिटी प्रूव कर सकता है. अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा कैन बी अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर. तो ऐसा भी हो सकता है क्या? तो हो सकता है ऐसा भी. तो इसमें आप समझ गए होंगे कौन सा आंसर होगा, सी 1, 2 एंड 4. 1, 2 एंड 4 जो सही है, 1, 3 एंड 4. अ पर्सन मस्ट ऑलवेज प्रूव हिज मेजोरिटी इन लोकसभा बिफोर इज अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है. वो बाद में भी प्रूव कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट के बाद प्रूव किया जाता है. तो 1, 3 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ये लिटिल बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तो आप इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का क्या कार्यकाल है. तो लोकसभा का कार्यकाल, एक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन उससे पहले भी वो डिसॉल्व हो सकता है. और प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहता है, एंड प्लस कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, कॉन्फिडेंस इन लोकसभा एंड मेजोरिटी हमेशा होना चाहिए, तभी वो कार्यकाल में रह सकता है. तो इसीलिए कोई फिक्स्ड नहीं है प्राइम मिनिस्टर का कार्यकाल. ये 5 साल एक आइडियल कंडीशन में 5 साल चलता है, उसके नहीं तो उसके पहले भी वो उसका टर्म खत्म हो सकता है. तो ये नॉट फिक्स्ड, इसमें अगर नॉट फिक्स्ड वाला कुछ इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिखेगा आपको, तो वही आप सही मार्क कीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन, बट एग्जाम में आते रहता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूं. तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है. प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर इज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ देम इज एंड आर फॉल्स. तो इसमें से क्या गलत है, फॉल्स. क्वेश्चन में जरूर याद रखिएगा जो फॉल्स, नॉट करेक्ट, ये पहले ही मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन में. जब भी क्वेश्चन आप अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो पहले मार्क कर लीजिए, नॉट लिखा हुआ है क्या, करेक्ट लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, फॉल्स लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू करते हैं. तो पहला ऑप्शन, द कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर इन टू द नेचर ऑफ एडवाइस रेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द मिनिस्टर. A person who is not a member of either Lok Sabha or Rajya Sabha can also be appointed as a minister. The president administered the oath to the minister and the president can remove a minister without the advice of prime minister. तो इसमें 74 के article 74(2) में ये mention है कि क्या नहीं हो सकता है, court cannot inquire into the nature of advice rendered to the president by the minister. जो minister एड देगा, एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात हो रहा है, तो उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को कोर्ट में इंक्वायर, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता है, यह बताया गया है. उसके बाद दूसरा है, द पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड अ मिनिस्टर. किया जा सकता है अपॉइंट, लेकिन 6 मंथ के अंदर उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा. तो यह है, लेकिन अपॉइंट कर सकते हैं. A person is not a member, can also be. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर्ड द ओथ टू द मिनिस्टर. सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्टर करता है ओथ एंड इन्फॉर्मेशन. तो तीसरा भी सही है. फोर्थ स्टेटमेंट गलत है. प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर विदाउट द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ऐसा नहीं हो सकता है. प्राइम मिनिस्टर का सलाह लेना पड़ेगा
क्योंकि ऐसा आर्टिकल 74 में बताया गया है। तो 4 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच ऑफ देम इज एन आर फॉल्स, अगेन फॉल्स। देन फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है, सही है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू राज्यसभा। यहां पे मैं राज्यसभा इसलिए स्पेशल मेंशन किया हूं क्योंकि राज्यसभा अगर दिया हुआ है और हम लोग क्या है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ के चले जाते हैं, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राज्यसभा नहीं लोकसभा, दो इसलिए यहां पे स्टेटमेंट पे फोकस करना है। तो टू स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। सैलरी पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होता है, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। एंड इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो डिसॉल्व। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा कि अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व होगा, न कि लोकसभा डिसॉल्व होगा। लोकसभा डिसॉल्व में भी हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब लोकसभा सॉरी डिसॉल्व हो जाएगा। लोकसभा डिसॉल्व होने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन होना चाहिए, मेजोरिटी लूज होना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होना चाहिए, ये सारे कार्य का, तो ये सारा है। और प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन करता है, प्राइम मिनिस्टर अगर डेथ होता है, तो ऐसे केस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों डिसॉल्व हो जाएगा, आप खुद लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन किसके एडवाइस से बनाया गया है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से बनाया गया है। प्रेसिडेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किया है वो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से किया गया है, और अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब कि अब वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके एडवाइस से बनाया गया था, इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑप्शन ए, सेकेंड स्टेटमेंट इज ओनली फॉल्स स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउड साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मैक्सिमम अलाउड साइज क्या है, तो कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कैन नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा। माइंड लोकसभा, नॉट लोकसभा प्लस राज्यसभा या टोटल पार्लियामेंट, ऐसा कुछ रहेगा तो नहीं। लोकसभा का 15% से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। जो 10% वाला केस है वो कोरम के लिए होता है, तो ये याद रखिएगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कैटेगरी होते हैं, होप यू नो, तो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ क्राउन एंड डिप्टी मिनिस्टर। सिंपल सा क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ क्राउन जो है वो यहाँ पे नहीं होते हैं, मिनिस्टर का ऐसा टाइप कुछ नहीं है। तो कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं और डिप्टी मिनिस्टर होता है। तो तीन टाइप के मिनिस्टर हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑप्शन सी रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ आवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट जो होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो पूछा जाएगा कि क्या संविधान में मेंशन है कैबिनेट मिनिस्टर, तो हाँ संविधान में मेंशन है, लेकिन मूल संविधान में मेंशन था क्या, नहीं। मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में 44th अमेंडमेंट जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया आर्टिकल 352 में, कि जो रिटन रिकमेंडेशन जब नेशनल इमरजेंसी इंपोज होगा, तो रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर का रिटन रिकमेंडेशन से ही जो इंपोज होगा, तो प्रेसिडेंट को रिटन रिकमेंडेशन चाहिए तभी वो नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर सकता है। तो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर जो है, कैबिनेट मिनिस्ट्री को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे संविधान में, और उसके अलावा कहीं भी कैबिनेट मिनिस्ट्री के बारे में ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर पूछा जाएगा कि मेंशन है क्या, तो हाँ अब मेंशन है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जिसको मेंशन किया गया है एक जगह पे, तो ये याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या आंसर हो गया इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट मेड इट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द एडवाइस रेंडर्ड टू हिम
बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सिंपल सा स्टेटमेंट है, अगर आपको पता होगा अमेंडमेंट के बारे में तो क्या होगा आंसर इसका, 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। फिर मैं बताया कि अगर कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजन वाला कुछ अगर संशोधन होता, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा ही लिया गया है, तो 1976 में ऐसा उन्होंने कर दिया था कि प्रेसिडेंट को जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, मतलब अपने से नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया तो इसमें एक संशोधन हुआ, उन्होंने ऐसा बोला कि इसको एक बार अगर कोई रिकमेंडेशन आता है, कोई एडवाइस आता है प्रेसिडेंट के पास, तो जो ये एडवाइस है उसको रिकंसीडर करने के लिए प्रेसिडेंट एक बार भेज सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास फिर से कि आप जो ये एडवाइस दिए हैं इसके बारे में पुनर्विचार करें। पुनर्विचार होता है नहीं होता है, फिर से अगर वो एडवाइस आता है कुछ उसी के बारे में तो अब इस बार वो डिनाई नहीं कर सकता है, इस बार उसको ऑब्लिगेटरी होगा, मानना पड़ेगा। तो ये है, तो शुरू में जो 1976 में किया गया था वो मैंडेटरी कर दिया गया था एक ही बार में, रिकंसिडरेशन का भी ऑप्शन नहीं था, लेकिन जनता पार्टी गवर्नमेंट ने रिकंसिडरेशन का ऑप्शन दिया, तो ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच लिस्ट है, होप आप बना सकते हैं, सिंपल सा आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पावर टू ग्रांट पार्डन सिंपल 72 में दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर्टिकल 53, पावर ऑफ टू अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर आर्टिकल 75 एंड अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में बताया गया है। तो ये सिंपल सा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो ये अभी मैं बता चुका हूं इसके बारे में, इसको आप खुद अटेम्प्ट करें क्योंकि अभी मैं इसका चर्चा कर चुका हूं कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर प्रेसिडेंट काम करेगा, करेगा। प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस, रिकंसिडर करने के लिए एक बार भेज दिया जा सकता है, यह भी सही है। द प्राइम मिनिस्टर नीड नॉट एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। अब उसके बाद अगर प्रेसिडेंट नीड नॉट एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस, अगर उसके रिकंसिडरेशन के बाद फिर से एडवाइस आता है तो नीड नॉट एक्ट नहीं, करना पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट डी भी राइट है, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डिंग विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर सच रिकंसिडरेशन। अगर रिकंसिडरेशन के बाद अगर कोई एडवाइस आता है तो फिर उसको मानना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये डी सी इज द राइट आंसर, सी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए राइट आंसर, रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है कि प्रेसिडेंट कैन कम्यूट डेथ सेंटेंस टू लाइफ इंप्रिजनमेंट, कर सकता है, किसके द्वारा कर सकता है, चेंज कर दिया गया है, कैरेक्टर को चेंज कर दिया गया है, तो आप रिकॉल कर सकते हैं कि किसके द्वारा होता है। उसके बाद गवर्नर कैन नॉट कम्यूट डेथ सेंटेंस इनटू लाइफ इंप्रिजनमेंट, गवर्नर कैन नॉट, गवर्नर भी कर सकता है, कम्यूट कर सकता है डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट में, लेकिन डेथ सेंटेंस को पूरा तरीके से खत्म नहीं कर सकता है। कंफ्यूज होते हैं, जैसे डेथ सेंटेंस आता है डेथ सेंटेंस को कम कर सकता है, दूसरे में चेंज कर सकता है, गवर्नर के पास है ये पावर, लेकिन डेथ सेंटेंस को बोला जाएगा कि क्षमा ही कर दे, मतलब फांसी का सजा है और फांसी का सजा सीधे समाप्त, वो बाहर घूम रहा है, ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है। गवर्नर के पास ऐसा पावर नहीं है, लेकिन वो कम्यूट कर सकता है, चेंज कर सकता है उसके उसको इसके सजा को। द प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन एक्सटेंड टू पनिशमेंट ऑन सेंटेंस बाई कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल के द्वारा भी जो पनिशमेंट मिलता है तो वहां भी प्रेसिडेंट का पावर है, गवर्नर के पास वो पावर नहीं है। तो दो जगह पे बस ही गवर्नर का पावर थोड़ा सा कम है कि जो डेथ सेंटेंस है उसको पूरा समाप्त नहीं कर सकता है और कोर्ट मार्शल वाले केस में पावर नहीं है उसके पास। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो 1 and 3 बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट किससे बना हुआ रहता है? प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा से पार्लियामेंट बना हुआ है, तो प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है? ऑन रिसिप्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इसके बारे में भी चर्चा हो चुका हम लोगों का कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब पासिंग किया जाएगा इच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पास किया जाएगा पार्लियामेंट से, आ जाएगा पास होके, तो सेल गिव हिज असेंट, सेल गिव हिज असेंट मतलब उसको देना पड़ेगा। सेल और मे होता है, मे मतलब कि ऑप्शन है, मतलब दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन सेल अगर कहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब देना पड़ेगा, सेल और मे, तो सेल गिव हिज असेंट मतलब उसको देना ही पड़ेगा असेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को नहीं वापस कर सकते हैं। संशोधन याद कीजिए, अभी डिस्कस किए थे हम कि कौन से संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था, ऑब्लिगेटरी किया गया था 1971 में, 24th अमेंडमेंट एक्ट। तो क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच करना है इसको भी, तो ये भी सिंपल आर्टिकल से रिलेटेड है, तो इसको आप मैच कर लीजिए, बहुत ही आसान है। 61 ये आर्टिकल प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के आर्टिकल को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, 74-75 आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, 52 से स्टार्ट होता है, तो 52 इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट जो है वो आंसर है वो ऑप्शन डी, ए का 3, बी का 4, 54 में इलेक्शन, ये डिस्कस हो चुका है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द अथॉरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ, अब प्रेसिडेंट बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करता है, लेकिन बहुत सारे करता है, लेकिन उसमें एक ऐसा घुसा रहेगा, क्योंकि बहुत सारा करता है तो आपको याद रहेगा हाँ करता है, लेकिन उसमें एक घुसा हुआ रहता है, तो इसलिए उसको भी ध्यान देना है, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर उसमें बीच में रहेगा तो इसको अपॉइंट नहीं करता, इसको गवर्नर अपॉइंट करता है, तो जज ऑफ द हाई कोर्ट करता है, जज ऑफ हाई कोर्ट को लगता है कि गवर्नर करता है, गवर्नर नहीं करता है, जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, गवर्नर सुप्रीम कोर्ट यूनियन मिनिस्टर तो है ही, तो कैग अटॉर्नी जनरल सारे को प्रेसिडेंट, तो चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर अपॉइंट करता है, तो ये डी इज द राइट आंसर। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज एन, कौन सा पावर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस इशू करता, पता है 123 आर्टिकल में, तो ये कैंसर कानून बनाने का पावर है, तो लेजिस्लेटिव पावर हो गया ये, तो कैसा पावर है प्रेसिडेंट का, लेजिस्लेटिव पावर, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड इन, जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट का वो कहां पे इनिशिएट किया जा सकता है, तो इम्पीचमेंट जो है जिस आर्टिकल 61 में बताया गया है इम्पीचमेंट के बारे में, उसका प्रोसीजर है, अब होप आपको पता होगा, तो कौन से हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, तो ये दोनों हाउस में इनिशिएट किया जा सकता है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो है वो कौन डिसाइड करेगा, तो अगेन इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट से कंफ्यूजन होगा, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन को फाइनल डिसाइड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, तो ये याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन का एडवाइस नेसेसरी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सा मैच द फॉलोइंग, वही ये चर्चा हो चुका है हमारा अभी, पार्डन पावर उसमें होता क्या है, तो वो भी अभी आपको डिस्कस किए थे। ए का कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का मतलब क्या है, वन फॉर्म पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में चेंज कर देना, तो ए का 3, बी रिप्राइव, रिप्राइव में क्या होता है इसके चर्चा नहीं किया था, तो रिप्राइव का मतलब क्या है, स्टे लगा देना, अभी कुछ दिन के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए स्टे लगा देना किसी भी सजा में, तो उसको बोलते हैं रिप्राइव, तो रिप्राइव का मतलब 1, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस फॉर अ टेम्पररी पीरियड, तो बी का 1, रेमिशन का मतलब चर्चा हो चुका है कि कम करना, सजा को कम कर देना 10 से 5, लेकिन कैरेक्टर चेंज नहीं करना है, और रिस्पाइट का मतलब क्या है कि कुछ अवॉर्डिंग द लेसर, डी का 2, अवॉर्डिंग द लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ 1 ओरिजिनल अवॉर्डेड, तो रिस्पाइट, तो आंसर इसका क्या होगा, सी, सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ, अभी अभिभाषण हुआ है प्रेसिडेंट का, तो आपको पता होगा कि द फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन, अगर जनरल इलेक्शन होता है तो उसके बाद कोई भी अगर जो पहला सेशन बैठेगा उसको जो है वो एड्रेस करता है प्रेसिडेंट, और हर साल के पहले सेशन को एड्रेस करता है प्रेसिडेंट। तो ये दो प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करता है दो चीजों को, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 और 3, फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, तो 1 और 3 इज द राइट आंसर, तो सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड टू डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी रिक्वायर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट, अभी जैसा हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में कि 1978 में ऐसा प्रोविजन किया गया था कि यूनियन कैबिनेट के डिस्कशन, तो वहीं पे पहली बार यूनियन कैबिनेट का कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस हुआ है संविधान में, तो एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट पे ही हो सकता है। तो ये सिंपल सा है, डिस्कस हो चुका है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, माइंड दिस वर्ड, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 9 months, 9 months का ऑप्शन पॉलिटी में बहुत कम होता है, ज्यादातर 6 months का ऑप्शन होता है, तो वहां देख सकते हैं कि इससे ये एक बार मतलब आप थोड़ा सा भी अगर ऑप्शन से गेस कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ओनली फॉर 6 months, तो 9 months तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। तो 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट री एलिजिबल भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टू लुक, तो और सारा वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो डिस्प्यूट होगा वो सुप्रीम कोर्ट देखता है, तो डी भी राइट स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द इंडिया इज प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो लोकसभा के प्रति जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो आर्टिकल 75 में बताया गया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सिंपल सा है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सेटिस्फैक्शन, बहुत ज्यादा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि सेटिस्फैक्शन जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो उस प्रेसिडेंट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर और फंक्शन बाय हिम, जब सेटिस्फैक्शन लिखा हुआ है तो प्रेसिडेंट के द्वारा जो एक्सरसाइज किया गया है पावर उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब यह है कि सेटिस्फैक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट का सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सेटिस्फैक्शन, क्यों, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे ही वर्क करता है, मतलब जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसमें सेटिस्फाई है, तो जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा मेंशन कर रहा है तो इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।